गाइस, पल्सर N250 चलिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गियर चैलेंज करते हैं, फर्स्ट गियर 43, 73 सेकेंड, थर्ड गियर 96, भाई फोर्थ फिफ्थ कहाँ चेक करूँ। और अरे भाई 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 भाई, क्या ही गंदा रोड है। भाई अरे भैया, अरे भैया, हाईवे पे आराम से ओवरटेक्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे ये रोड बंद क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं किसी तरह से उस लेन पे पहुंच जाता हूँ तो आराम से जो है अपना टेस्ट हो जाएगा भाई। तो गाइस, पल्सर N250 चलिए इसका एक बार, अब इधर से रोड खाली है, ट्राई करते हैं एक बार गियर चैलेंज टॉप स्पीड अटेम्प्ट, अगर हो पाया तो। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हमेशा सेफ राइड करिए, हेलमेट हेलमेट पहन के चलाइए और ईगो में कभी भी राइड ना करें, फर्स्ट गियर, लेट्स गो। 43 72 96, और भाई मतलब 144 146 पे बड़ा ही गंदा लिमिटर हिट कर रहा है, उसके बाद तो ये जाएगी नहीं, तो कम से कम 150 152 तो इसकी टॉप स्पीड होनी चाहिए थे भाई, बहुत जल्दी लिमिटर लगा दिया है। और पावर भाई काफ़ी अच्छा चला के एकदम मज़ा आ गया। इसका आपको डिटेल्ड रिव्यू सब कुछ आपको मेरे चैनल मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है, मतलब सीरियसली मज़ा आ रहा है इसको चला के। और रिएक्शंस मिल रहे हैं भाई बड़े तगड़े वाले। अब डोंट नो भाई, ये रोड से मैं उतरूंगा कहाँ वो नहीं पता। लेकिन चलिए भगाते हैं भाई, मज़ा तो आ रहा है। अच्छा मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ इसके बारे में, कि अगर आप लीन करते हैं तो हालांकि उतना अच्छा नहीं जैसा कि आप, फिर भी अच्छा है भाई। अगर मैं और बाइक से कंपेयर करता हूँ किसी और ब्रांड की बाइक से, तो बजाज की बाइक्स में ये होता है कि अगर आप टॉप एंड पे लीन वीन करते हैं ना, तो टैंक पे आराम से आप एकदम सो जाते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा आपको विंड ब्लास्ट विंड ब्लास्ट नहीं लगता और बाइक जो है अच्छा टॉप एंड पकड़ पाती है। RS NS पे तो भाई एकदम आराम से आप टैंक पे पूरा लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका टैंक हालांकि वैसा नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश करते हैं तो उतना आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। और भाई सस्पेंशन सेटअप देखिए आप, कितना अच्छा काम कर रहा है, ऐसी रोड्स पे भी मतलब इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और परफेक्ट लग रहा है भाई, मतलब मुझे चला के इतना मज़ा आ रहा है ना इसको, सीरियसली
हाँ ये है कि अगर पावर के हिसाब से देखते हैं तो मैं अगर आप लोग से यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग का कोई बजट इशू या माइलेज इशू नहीं है तो आप जो है अगर मैं कहूँ तो आप 250 की तरफ ही जाइए, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है 250 में भी डिसेंट पावर है, तो N160 में मुझे लग रहा है बहुत ही कम पावर होगी। और जिस प्राइस रेंज पे आ रही है 185,000, तो आप कह सकते हैं इस प्राइस रेंज में सेम NS भी आती है, तो उसका भी जैसा मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन लाऊंगा भाई। तो अब चलिए आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाते हैं। जय बजरंग बली। अच्छा ये 50 के स्पीड से और डुअल, क्या ब्रेकिंग भाई, क्या ब्रेकिंग पावर। फिर से थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करते हैं। मेरे पीछे अभी कोई आ नहीं रहा है, करीब करीब 50 के स्पीड से, मोर देन 50। और चलिए ब्रेकिंग करते हैं भाई। और भाई मतलब मीटर के डाउन होने से पहले बाइक जो है रुक जा रही है, तो ज़बरदस्त मशीन। रोक लेते हैं भाई साइड में, और भाई बस गोप्रो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि पिछली बार जब मैं लास्ट सैटरडे शूट करने गया था पल्सर 125 और एक दो वीडियो शूट किया था, तो गोप्रो का जान रहे हैंग वैंग होने का सिस्टम है भाई, वो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं किया पूरा, मुझे पूरा वॉइस ओवर करना पड़ा। मेरे चाबी क्यों निकाल दी भाई। तो देख सकते हैं इस बीस्ट को भाई, क्या मशीन है, मज़ा आ गया चला के सच में। तो बस भाई इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। क्या लगती है भाई, एकदम नया फ्रेश डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी, काफ़ी पार्ट्स हालांकि आपको प्लास्टिक के मिलते हैं बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो बस इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड भाई। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।